नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, जी हाँ, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी की सुराही, जिसको हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आज आपको इसी पे एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, आजकल के जो लाइफस्टाइल है, कि घर से घड़े दूर हो गए हैं। लोग अब तो घड़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, फ्रिज हो गया या फिर अपना और कोई चीज़ उन्होंने रख ली पानी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, घड़ों को घर से हटा दिया है। आपने देखा होगा कि पहले के जो बुज़ुर्ग होते थे, पहले, अभी भी आप गाँव में चले जाइए तो सबसे पहले वो मिट्टी के ही घड़े में पानी रखते हैं, मिट्टी के ही घड़े खरीद देंगे पानी के लिए, मिट्टी के ही बर्तन यूज़ करेंगे पानी के लिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो आज मैं आपको मिट्टी का घड़ा घर में रखने के बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी। अगर आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, पैसे घर में नहीं टिकते, तो आप शुक्रवार वाले दिन एक मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी की बनी सुराही लेकर आइए, और इस घड़े में पानी भर के आपको कहाँ रखना है, उत्तर की दिशा में रखना है। जहाँ आपके घर का उत्तर कोना है, वहाँ पे आपको उस घड़े को रखना है। रखने के बाद आपसे अगर हो सके तो रोज़ उस घड़े के नीचे, आपको उस घड़े के नीचे का मतलब उसके आसपास आपको एक दिया जलाना है। दिया आप तेल का भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, आप घी का भी जला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी आर्थिक तंगी, आर्थिक कष्ट है, वो दूर होता चला जाएगा, आर्थिक मजबूती आएगी आपके घर में। और कहते हैं उस घड़े का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है, बहुत अनेक फ़ायदे हैं घड़ा रखने के। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत मानसिक रूप से बीमार रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, तो उस व्यक्ति के हाथ से एक छोटा सा घड़ा ले लीजिए, उस घड़े से अब जो भी आपने घर में पौधे लगाए हैं उसमें पानी डलवाइए, जल दीजिए। ऐसा करने से उसकी मानसिक बीमारी दूर होगी। कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा जिस घर में होता है, उस घर में शुभता आती है, उस घर में सुख समृद्धि आती है, उस घर का माहौल खुद ब खुद ठीक होता चला जाता है। अगर उस घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसे तनाव बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, क्योंकि आज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, तो ये सारी चीज़ें घर से दूर होती चली जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए होती हैं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छे करने के लिए, हमारे जीवन में सुख लाने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा बहुत है वो बहुत सुखी है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं घर की, बहुत सारी, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी परिवार तो बहुत बड़ा है लेकिन आपस में बनती नहीं है, आए दिन कलेश होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे, वो हमें भी करनी चाहिए। तो आप जब भी घड़ा लेकर आएँ, शुक्रवार का दिन ले लीजिए, बुधवार का दिन ले लीजिए, दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।